राहुल और उसकी वफादार बकरी की कहानी। एक गांव में रहने वाला एक नन्हा सा लड़का था, उसका नाम था राहुल। राहुल की उम्र सिर्फ 7 साल थी और वह बहुत ही मासूम और खुशनुमा बच्चा था। उसके गांव में उसका एक दोस्त था जो कि एक नन्ही सी बकरी थी। राहुल की दोस्ती उस बकरी के साथ बहुत ही अजीब गरीब थी। रोजाना वह बकरी सुबह सुबह उसके घर के पास आती और राहुल के साथ खेलने का इंतजार करती रहती थी। राहुल भी बहुत प्यार से उसके साथ खेलता था। वे एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन गांव में एक मेला लगा था। राहुल बहुत उत्साहित था क्योंकि उसने सोचा कि वह अपनी बकरी को मेले में ले जाएगा और वहां उसके साथ अनेकों अच्छे खेल खेलेगा। बकरी भी खुश थी क्योंकि उसे भी नए और मनोरंजन जगहों पर जाने का मौका मिल रहा था। मेले में राहुल और बकरी ने अनेक खेल खेले और बहुत मित्र से मिलकर बड़ी मस्ती की। दोनों को बहुत मजा आ रहा था। फिर एक खास खेल में बकरी ने अपनी तेज दौड़ और कठोरता से पहला पुरस्कार भी जीत लिया। राहुल बहुत ही खुश था और बकरी को बधाई देते हुए उसे गले लगा लिया। मेले के बाद जब वे घर लौटकर आ रहे थे तो एक बड़ी हीरो की झुंड ने उन्हें देखा। वे बड़े ही चौकन्ना होकर उनके आसपास घूमने लगे। राहुल ने बकरी को देखकर बताया, देखो ये हमारे लिए ही आए हैं, ये हमारी बख्शिश लेने आए हैं। बकरी ने भी उन्हें देखकर अपनी चालों को बढ़ाया। इस प्रकार राहुल और उसकी बकरी की दोस्ती गांव में सबके दिलों में बस गई। उसका प्यार और सम्मान आपसे समझ के आधार पर था। दोस्ती इंसान से हो या जानवर से, बस दोस्ती अच्छी और सच्ची होनी चाहिए। दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, जैसे राहुल और बकरी के बीच में थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।